सहारा लेंगे, वृंदावन धाम के लिए चलेंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं, माँ हमें वृंदावन में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैया भगवान कन्हैया जब जिद ठान जाते हैं ग्वाल बालों के साथ में बंसी बट वृंदावन में गायें चराने के लिए आने जाने लगे। उधर मेरे भगवान श्रोताओं, भोजराज कंस को जब बाबा नंद ने बताया था देवर्षि नारद ने कंस को बताया था कि बाबा नंद के लिए तुम एक पत्र भेजो और पत्र में स्पष्ट लिख दो कि हमें एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। भोजराज कंस ने पत्र लिखा है गोकुल के रहने वाले बाबा नंद, तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि हमें सुबह पूजा के लिए रोजाना पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। और हमें कल सुबह एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, ये पुष्प कल शाम तक हमारे घर पर आ जाए। और हमारे पास में ये पुष्प नहीं आए तो हम तुम्हें, तुम्हारी सारी अहीर बिरादरी को जेल में डलवा देंगे। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए तुम्हारा भोजराज कंस। भाइयों, अब इधर भोजराज कंस ने जैसी पत्र भेजा है बाबा नंद को, पत्र मिला, बाबा नंद ने जैसी पत्र पढ़ा तो बाबा नंद अपना सर पकड़ के बैठ गए भोजराज कंस।
जिस दिन से हमारे घर में कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया है उसी दिन से तू तरह तरह के राक्षस राक्षसियों को भेज रहा है, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया कि तू मेरे कन्हैया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैया जसोदा आई, जसोदा को भी पत्र दिखा दिया। अब मैया जसोदा भी दहाड़ मार के रो रही है, बाबा नंद भी रो रहे हैं। भाइयों, शाम का वक्त हुआ है तो भगवान कन्हैया जब लौटे हैं गाय चरा के, माँ यशोदा के पास में कन्हैया कहने लगे, माँ मैया आज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों मैया? तुमने जो भी माखन रोटी भेजी थी ग्वाल बालों ने चीन झपट के वो सब माखन रोटी खा गए, आज हमें भूख लगी है मैया, तू हमें माखन रोटी दे दे। मैया जसोदा माखन मथ रही थी और अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए थी, आंखों ही आंखों में आज मैया आंसू पी रही है, कंस के डर से भयभीत है माँ जसोदा। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, माँ तू मुझे माखन दे दे। कि मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, और जैसे जसोदा ने सुना है तो आज कन्हैया को अपने कलेजा से लगा लिया, लाला शायद ये तेरा अंतिम दिन है माखन रोटी का आज के बाद में, और हमें मालूम है कि तुझे माखन रोटी से भेंट नहीं होगी। मैया जसोदा रोती भाई भगवान कन्हैया से बोली है, लाला जसोदा बोली खाई ले बेटा अंतिम दिन माखन रोटी को दर्शना पड़े ना तो लाला कल से जसोदा की बात सुन रहे हैं। जसोदा रोती हुई जब बोली है, लाला अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का आज के बाद में, और शायद है कि तुझे माखन रोटी से बहक नहीं होगी। भगवान कन्हैया ने जैसे ये बात सुनी, जसोदा मैया ये तू क्या कह रही है? जसोदा बोली, लाला मैं सत्य कह रही हूं। क्यों?
भगवान कन्हैया ने जैसे ये बात सुनी, भगवान कन्हैया बालों में उबलने लगे, कहने लगे ये तुम क्या कह रही हो, कौन है वो कमीन की औलाद जो माखन रोटी छुड़ाएगा? बता दे मां, किस कमीन ने तुम्हारी आंखों में आंसू पैदा किए हैं? तू आज तक हमें साधारण बालक समझती रही, भगवान के नहीं या उबालों में वो बनने लगे, ऐसा ही नहीं भाई। औलाद जिसने अपनी गंदी जबान से तुमसे बुरा भला बोला है, कौन है वो नालायक जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू पैदा किए हैं? बता दो बाबा। बाबा नंद ने वही फरमान दिखा दिया जो भोजराज कंस ने लिखा था, और उसमें लिखा था कि हमें एक छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, अगर पुष्प ना आए तो सारे आत्मों को हम जेल में डलवा देंगे। भगवान कन्हैया ने सुना, जवाब दिया अच्छा तो ये बात है, लेकिन बाबा तुम भी एक पत्र लिखो भोजराज कंस को और खुले शब्दों में समझा दो कि जेल में डालने की धमकी जो हम समस्त भोले भाले आत्मों को दे रहा है, ये लुच्चे लफंगे व्यभिचारी अत्याचारियों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं, सत्याग्रह मंदिर है मंदिर। जिस जेल में हमारा जन्म हुआ, ऐसी जेलों से हम घबराते नहीं हैं। बाबा नंद माया सोदा को सांत्वना बदवाई भगवान कन्हैया ने, उसके बाद में सारी रात विश्राम किया है। सवेरो भयो, और जब सवेरो भयो है तो भगवान कन्हैया ने अपने बाल सखा बुला लिए, अरे मना मनसुका मदन संकीर्ण भैया सब आ गए।